एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग समा लेडीज कॉर्नर म्यूजिशियन ग्रैनी हाउस के एम आर होल सेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर मुनीर मोबाइल। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं A1 TV। A1 TV में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। आज की अहम खबर, BJP की नया डूबी। जी हां नाज़रीन, आपने सही सुना, कश्मीर के ढाल झील में आज BJP की नाव डूब गई। तफसील यह है कि इन दिनों कश्मीर में DDC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इंतखाबात चल रहे हैं। इस DDC की हैसियत वही है जो हमारे रियासत कर्नाटक में जिला पंचायत की है। BJP इन दिनों छोटे छोटे इंतखाबात को भी संजीदगी से ले रही है और अपने बड़े बड़े कायदीन को प्रचार मुहिम में उतार रही है। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, साबिका मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन और दीगर आज ढाल झील पहुंचे, जहां छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर ढाल झील के हाउस बोट्स और दीगर मुकामात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही थी। ढाल झील के दरमियान एक कश्ती पानी में डूब गई। नाव डूबने की वजह से इसमें ज्यादा अफराद के सवार होने की को बताया जा रहा है। कश्ती डूबने का यह वाकया अगरचे के मामूली है, इस कश्ती के उलट जाने से जो BJP अराकीन पानी में डूबे थे इन्हें बचा लिया गया। मगर इस वाकये को BJP के जवाल की तरफ जाने की निशानी खराब दिया जा रहा है। यह कश्ती ज्यादा अफराद सवार होने की वजह से डूबी है और BJP में इन दिनों मुख्तलिफ पार्टियों के कई कायदीन शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी की नाव डूब सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली BJP में इस तरह कांग्रेस कायदीन शामिल होते रहे तो कांग्रेस युक्त BJP बन जाएगी। नाजरीन, हमारे इन तमाम खबरों को डेन चैनल 744 पर देखिए, YouTube पर देखिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।